हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन हब पे। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वीडियो का डे टू है, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पर इन टॉपिक्स को कवर करने से पहले हम अपने प्रीवियस डे के टॉपिक्स का एक बार ओवरव्यू कर लें, रिव्यू कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है और उसने और वो कौन कौन से टेक्नोलॉजीज पे डील करता है, सर्वर ओएस और क्लाइंट ओएस में क्या डिफरेंस है और वो किस लिए यूजफुल है, और किस कितने एडिशंस के हमारे विंडोज सर्वर कैसे कैसे इंट्रोड्यूस होते गए और क्लाइंट ओएस भी। उसके बाद हमने पढ़ा सर्वर के एडिशंस और फीचर्स के थ्रू हम कौन सा एडिशन हम चूज़ करेंगे अपने सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए, वो हमने देखा था। और हमने स्टैंडर्ड सर्वर इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमने वी एम वेयर इंस्टॉलेशन परफॉर्म किया, वी एम वेयर वर्क स्टेशन, जिससे कि हम अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाएँ। उसके बाद हमने आई पी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में पढ़ा था कि वो क्या है, किस लिए यूजफुल है। उसके बाद हमने सर्वर के टाइप्स पढ़े थे, इंस्टॉलेशन टाइप्स की कोर, जी वाई मिनिमल, और हमने जी वाई इंस्टॉलेशन परफॉर्म किया था। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम ओ एस के क्लोनिंग को पढ़ेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजेस क्या है, और हम क्लाइंट के क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करेंगे और उसको ज्वाइन करके देखेंगे कि वो कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, ये सारे टॉपिक्स, डोमेन कंट्रोलर क्या है, एनटीडीएस क्या है, कहाँ स्टोर होता है, सिसवॉल क्या है, कहाँ स्टोर होता है, ये सारे टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमें सबसे पहले आना है अपने वर्क स्टेशन पे। जैसे कि मैंने बताया था क्लोनिंग, तो आप देख सकते हो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अभी स्टॉप है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, पावर ऑफ करता हूँ अभी। तो हमें क्लोनिंग करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमें अपने जिस जो हमने बनाया है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे विंडोज सर्वर 2016 जो नाम है, जिस नेम है, उस पर आप जाएंगे मैनेज। मैनेज के बाद आपको आएंगे क्लोन का ऑप्शन, आप क्लोन पे क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट करोगे। जो करंट स्टेट है वर्चुअल मशीन पे वही करना है, ठीक है। क्रिएट अ लिंक्ड क्लोन फ्रॉम द करेंट स्टेट विल क्रिएट अ न्यू स्नैपशॉट। अब इन दोनों ऑप्शंस में से आपको कौन सा चूज करना है? एक है सेकंड, द वर्चुअल मशीन हैज नो एग्जिस्टिंग क्लोन, जिसमें ये बता रहा है कि हम एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे। एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट अगर होता है और सर्वर शट डाउन है तो हम उससे आप क्रिएट कर सकते हैं, या अभी जो वर्चुअल मशीन है ऑलरेडी जो लिंक्ड है हमारे पास उसी से क्लोन करना है, जिससे कि वो नया स्नैपशॉट भी क्रिएट करेगा। स्नैपशॉट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा अभी इसी वीडियो में थोड़े देर में। तो चलिए हम इस ऑप्शन को अब चूज कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, क्रिएट अ लिंक्ड क्लोन और फुल क्लोन। लिंक्ड क्लोन में ये एक मतलब फायदा है कि ये कम स्पेस यूज करता है, ठीक है, आपके जो स्पेस है डिस्क स्पेस वो कम यूज करेगा। पर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारा जो प्राइमरी ये ओएस है अगर ये ऑफ है तो ये वर्क नहीं करेगा, मतलब जो हम नया क्लोन बनाएंगे वो भी वर्क नहीं करेगा, इसको ऑन होना चाहिए। दूसरा ये क्रिएट ए फुल, क्रिएट ए फुल में क्या है कि ये डिस्क स्पेस अपना जितना हमारा 2016 ये इसने यूज़ किया है सेम ये भी उतना ही यूज़ करेगा और ये इंडिपेंडेंट होगा, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये चाहे ऑन हो या ऑफ हो इससे कोई मतलब नहीं। तो हमारा भी प्रैक्टिकल है कि हम भाई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मतलब सर्वर्स क्रिएट करें, तो हम क्रिएट ए फुल क्लोन करेंगे। अगर आप लिंक्ड करते हो तो इस सर्वर का ऑन होना ज़रूरी है, ये हम बेसिकली सर्वर इन्वायरमेंट में नहीं करते हैं। तो हमें सर्वर इन्वायरमेंट में हमेशा क्रिएट ए फुल क्लोन करना था, मतलब हम एक इंडिपेंडेंट सर्वर क्रिएट करते हैं जिसके लिए हम क्रिएट ए फुल क्लोन ही करेंगे एज अ हम फिजिकल सर्वर कंसिडर कर रहे हैं। अभी हम जो भी वर्चुअली मतलब क्रिएट कर रहे हैं विंडोज सर्वर उसको आप फिजिकल ही मानो, क्योंकि हम जो भी कन्फिग्रेशन करेंगे सर्वर के अंदर वो एज अ फिजिकल ही होगा। बस हम एक इन्वायरमेंट वर्चुअल लिए हैं, जो भी हम वर्चुअल में कन्फिगर करेंगे सेम हम जब हमारे पास एक हार्डवेयर होगा और जिसपे हम ओएस इंस्टॉल करेंगे वैसे ही सर्वर का, ये हमें हार्डवेयर की फीलिंग देगा। तो हमें क्या करना है, क्रिएट अ फुल क्लोन। तो हम नेक्स्ट करेंगे, मैं फिर से वही लेता हूँ, अभी मैं वर्चुअल मशीन का नाम ले लेता हूँ क्लोन, या मैं अभी पहले जेट करता हूँ सर्वर 2016 क्लोन।
वन, मैंने वन कर लिया और मैं इसको करता हूँ फिनिश। अब आप देखोगे ये तुरंत क्लोनिंग क्रिएट करेगा। अभी मैं एक नहीं दो क्लोन क्रिएट करके रखूंगा कि जिससे मुझे आगे काम हो सके। मैं वो बताऊंगा आगे कैसे कैसे क्रिएट करना है और उसका यूज़ क्या है हमारे पास, कौन से ओएस में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ये आपको मैं फ्यूचर में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अभी ये इंस्टॉल क्लोनिंग कर रहा है तो मैं अभी वीडियोस को पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी ये मेरा क्लोनिंग कंप्लीट हो गया है। तो मैं ऐसे ही एक दो क्लोन और कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं क्लोन कंप्लीट कर लूँ फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा। तो ये मेरा सेकेंड क्लोन भी इंस्टॉल हो गया है। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, व्हाट इज एडीडीएस, मींस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। तो एक्चुअली ये क्या है, ये एडीडीएस हमारा एक डायरेक्टरी सर्विस है जहां पे हम जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं यूजर्स के, ग्रुप्स के, ओयूज के, नेटवर्क रिसोर्सेस। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एडी या एडीडीएस, तो आप बोलोगे इट स्टैंड्स फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। इट इज अ डायरेक्टरी सर्विस विच स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स, ग्रुप्स, ओयूज एंड नेटवर्क रिसोर्सेस। तो ये हो गया एडी, जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है बहुत सी चीजों की, जो कि जैसे हम यूजर कोई क्रिएट करते हैं, कोई ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, कोई नेटवर्क रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए एडीडीएस यूज होता है। और इसका यूज क्या है, सेकेंड टॉपिक ये है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एडीडीएस, एडीडीएस का यूज होता क्यों है जनरली। तो ये इसलिए यूज होता है क्योंकि इसके तीन फीचर्स हैं, मतलब हमें तीन फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं एडीडीएस के थ्रू, जो कि पहला होता है ऑथेंटिकेशन, सेकेंड होता है ऑथोराइजेशन, थर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम अकाउंटिंग के भी नेम से जानते हैं। तो एट ऑथेंटिकेशन क्या है, वो हमें हेल्प करता है यूजर लॉग इन में। जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है और हमने लॉक कर दिया तो कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता, जिसके पास उसका पासवर्ड होगा वही उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है कि वैलिडेट करता है कि जो जिस यूजर ने लॉग पासवर्ड इनपुट किया है वो पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। तो वो किस पे वर्क करता है, उसके उसके बैकएंड में क्या वर्क करता है, एक प्रोटोकॉल वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं कर्बरोस, और वो पोर्ट नंबर 88 पे काम करता है। प्रोटोकॉल और पोर्ट क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी आप बस जान लो कि कर्बरोस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है और पोर्ट नंबर 88 पे काम करता है। ऑथराइजेशन जो होता है वो हेल्प करता है एक्सेसिंग यूजर रिसोर्सेज, यूजर के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, मींस कौन सा यूजर क्या एक्सेस करेगा ये डिफाइन करता है ऑथराइजेशन। सपोज मेरे घर में दो भाई हैं और दोनों भाई क्या करते हैं, उन दोनों को बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारा एक्सेस तो सिर्फ इस रूम में है, दूसरे भाई को बोल दिया कि तुम ये दोनों रूम एक्सेस कर सकते हो, उसके पास दो कीज है। तो मतलब कि एक को आपने एक्सेस दिया कि भाई तुम सिर्फ यही एक्सेस करोगे, तुम घर में तो रहोगे पर तुम्हारे पास एक्सेस है बस इसी डोर का। पर एक भाई जो ऐसा है जिसके पास घर में भी एंट्री करने का है, मतलब लैपटॉप लॉगिन भी कर लेगा और सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है, मतलब घर में दो दरवाजे, दोनों दरवाजों को एक्सेस कर सकता है, दोनों डोर्स में वो इंटर कर सकता है। तो वो रिसोर्स बताता है कि हम क्या एक्सेस कर सकते हैं। उसके बैकएंड में क्या वर्क करता है, एलडेप प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसको हम लोग लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल भी वर्क ने बोलते हैं, और इस जो पोर्ट नंबर इसका है वो 389। थर्ड हो गया एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं, ये हेल्प करता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट में। अब सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट वैसे कह सकते हैं जो अब हमारे सपोज जो हम हमारी गवर्नमेंट है और वो सेंट्रली मैनेज कर रहे हैं, एक जगह बैठ के सारे रूल्स पॉलिसीज अप्लाई कर रहे हैं कि भाई आप ये इस चीज को फॉलो करोगे, इस चीज को फॉलो करोगे, तो वो आप उसे फॉलो करते हो, आप उससे बाध्य हो, मतलब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं आप फॉलो करना ही है स्ट्रिक्टली, तो आप वो फॉलो करते हो। ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कि एक जगह से बैठ के सेंट्रली सब जगह हर जगह को मैनेज करना। अब हम क्या है कि भाई यूजेस हो गया, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर क्या है और एनटीडीएस और सिसवॉल क्या है और वो कहाँ होते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एडीडीएस सर्विस और रिमोट सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, मीन्स हम एडीडीएस सर्विस का इंस्टॉलेशन और सर्वर को डोमेन कंट्रोलर में प्रोमोट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम इंस्टॉलेशन परफॉर्म करेंगे। तो अभी देखते हैं डोमेन कंट्रोलर क्या है। तो डोमेन कंट्रोलर, डीसी इज अ मशीन
विच होल्ड्स एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस रोल। तो डोमेन कंट्रोलर क्या है, एक मशीन है जो कि अपने पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का रोल रखता है, ठीक है, मतलब ADDS का रोल अपने पास रखता है, इंस्टॉल करता है या होल्ड करता है। अब हम पढ़ेंगे NTDS और SysVol। जब भी हम ADDS इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम, या जब भी हम ADDS इंस्टॉल करते हैं किसी भी डोमेन कंट्रोलर पे, मतलब एक सर्वर है, जब हम उस पर ADDS इंस्टॉल करते हैं तो डोमेन कंट्रोलर में बन जाता है, डोमेन कंट्रोलर में प्रोमोट किया जाता है। तो जब भी आप ADDS इंस्टॉल करोगे तो NTDS और SysVol फोल्डर, ये दो फोल्डर हैं, बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। अब NTDS क्या है, इसका जिसे हम बोलते हैं फुल, जो इसका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस, न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस बोलते हैं इसको। ये क्या है, डेटाबेस है हमारे ADDS का, ADDS का डेटाबेस फोल्डर है, सारे जो डेटा होते हैं, जो उसके सेटिंग जितने भी चीजें वो सारे इसी में सेव होते हैं। और इसका पाथ क्या है, इसका पाथ है सी ड्राइव में विंडोज, सी में विंडोज, मैं आपको इसका पाथ भी दिखा दूंगा। जो इसका मेन फाइल है जहां पे ये एग्जैक्ट में जो हमारा पूरा डेटाबेस स्टोर होता है इस फोल्डर के अंदर, वो है NTDS.dit, ये मेन फाइल है जिसमें सारा डेटाबेस स्टोर होता है, ठीक है। अगर वो फोल्डर पूछे तो NTDS बोलिएगा, फोल्डर नहीं पूछे फाइल, एग्जैक्ट फाइल पूछा जाए तो आप बोलोगे NTDS.dit। डिट का स्टैंड हो गया, डिट स्टैंड फॉर डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन ट्री, इसका फुल फॉर्म डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन ट्री है। सेकेंड जो फोल्डर है वो SysVol है। SysVol क्या है, वो एक बाय डिफॉल्ट शेयर्ड फोल्डर है, शेयर्ड फोल्डर मतलब कि ऑटोमेटिक वो शेयर्ड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जो कि यूजफुल है पॉलिसीज रखने, मतलब यूजफुल क्या है, वो अपने पास पॉलिसीज और सिक्योरिटीज रखता है, जो भी पॉलिसीज लगाए गए हैं सर्वर पे, डोमेन कंट्रोल या पूरे एनवायरमेंट में, या जो भी सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट किए गए हैं, उन सब का इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, कौन, SysVol। और वो कैसा फोल्डर है, शेयर्ड फोल्डर। तो कभी भी कोई पूछता है कि NTDS क्या है, तो आप बोलो कि ये डेटाबेस फोल्डर है ADDS का, पाथ क्या है पाथ बताओ, अगर मेन फाइल कौन सा तो मेन फाइल का नेम बताओ, SysVol क्या है तो बाय डिफॉल्ट शेयर्ड फोल्डर है, जो कि यूज विच इज यूज टू कॉन्टेन, या विच कॉन्टेंस, आप बोलो विच कॉन्टेंस इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज एंड सिक्योरिटीज, आप यूज टू हटा दो, आप लिखो विच कॉन्टेंस इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उन्हें आने वाली मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर के साथ।